तो आपको सिस्टम में अवेलेबल हो जाएगा। तो ये दो प्रोसेस थी जिसको जिसके बारे में हमने देखा कि टिप्लर हमारे पास अवेलेबल हो गया। अब जब भी ये टिप्लर अवेलेबल होगा इस लिस्ट में आपको दिखाई देगा। उसके बाद जो फर्स्ट आइकन इसमें है वो जो डिटेल्स करके है, जहाँ पे आकर करके आप किसी एक पे क्लिक करेंगे तो एक्चुअली बेसिकली इस आइकन पे क्लिक कर करके मैं इंस्पेक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो इंस्पेक्शन स्टार्ट करने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन जो कि हमारी चेकलिस्ट वाइज होती है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि पूरे चेकलिस्ट के लिए एक होता है, लाइक कि कौन इंस्पेक्शन कर रहा है, डेट ऑफ इंस्पेक्शन इसका क्या है। तो जब भी मैं इनिशिएट न्यू इंस्पेक्शन करूंगा तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको सिस्टम फीड करने को बोलेगा। इंस्पेक्शन डेट, दैट मीन्स किस डेट को आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं, आपके CNW स्टाफ का HRMS ID, उसका नाम, डेजिग्नेशंस। सिमिलरली क्योंकि एक ज्वाइंट इंस्पेक्शन है तो आप उस ओनर का डिटेल, ओनर की डेजिग्नेशंस, ओनर का मोबाइल नंबर, दैट मीन्स जो ओनर का रिप्रेजेंटेटिव है उसकी डिटेल्स आप फिल करेंगे। फॉलोड बाय समटाइम्स क्या होता है कि ड्यूरिंग इंस्पेक्शंस कमर्शियल रिप्रेजेंटेटिव भी अवेलेबल होते हैं, तो उनकी डिटेल्स भी आप फीड कर सकते हैं, जहाँ की कमर्शियल पर्सन नेम, उसकी डेजिग्नेशंस क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है। देन रीजन्स, शेड्यूल या अदर्स करके सिलेक्ट कर सकते हैं आप। फिर इस सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी हेडर लेवल की इंफॉर्मेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी, जिसमें ये सारी डिटेल्स होगी कि कौन इंस्पेक्शंस कर रहा है या वो आर दी पार्टी जो कि इंस्पेक्शंस प्रोसेस में इन्वॉल्व है। ये हेडर क्रिएट होने के बाद आप इंस्पेक्शंस में ये सीरियल नंबर, इंस्पेक्शन डेट, ये सारी चीज देखेंगे। जहाँ पे आपको सेकेंड लास्ट जो कॉलम है वो है कि फील्ड चेकलिस्ट। तो ये चेकलिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये सेम चेकलिस्ट है जो कि G33 में स्पेसिफाइड है, जहां पर कि आपके पास सीक्वेंस नंबर उसमें मेंशन होते हैं, लाइक इंडिफरेंट प्लेटफॉर्म साइट बिल, फिर सीक्वेंस 1, 2, 3, दैट मीन्स उस एंड फ्रेम प्लेटफॉर्म का क्या क्या सीक्वेंस है, चेक की डिस्क्रिप्शन है। लास्ट में आपके पास जो मैनुअल आप इंस्पेक्शन करते थे तो एक फील्ड होता था जहां पर कि आप अपनी ऑब्जर्वेशन लिखते थे, बट उस ऑब्जर्वेशन में इंग्लिश पढ़ना पड़ता था, जिससे पता चलता था कि क्या ये चेकलिस्ट जो है वो सेटिस्फैक्ट्री पाया गया या नहीं पाया गया। तो उसके लिए हमने यहाँ पे दो फिगर बना दी है, एक सेटिस्फैक्ट्री है, डेट मीन्स जो चेकलिस्ट है उससे आप सेटिस्फाई हैं, मतलब सेटिस्फैक्ट्री पाया गया या नहीं सेटिस्फैक्ट्री पाया गया। या समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कोई ऐसे भी चेकलिस्ट आइटम होते हैं जो कि किसी पार्टिकुलर टिप्लर्स में वो लगे ही नहीं होते हैं, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं, तो आप ये नॉट एप्लीकेबल भी फिल कर सकते हैं। अगर सेटिस्फैक्ट्री है तो यस फिट कीजिए, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो नो फिट कीजिए। और रिमार्क्स में अगर सेटिस्फैक्ट्री यस है तो क्यों यस है, सेटिस्फैक्ट्री अगर नो है तो उसका रीजन आप रिमार्क्स फील्ड में डालेंगे। साथ साथ जो कि आपको मैनुअल में नहीं था कि आपने सपोज कि सेटिस्फैक्ट्री में नो लिखा और वो नो किस रीजन से है, आप अपने मोबाइल से एक फोटो खींच कर करके उस पार्टिकुलर कंपोनेंट का, उस चेकलिस्ट से जो कंसर्न आइटम है उसका इमेज अपलोड करना चाहे सिस्टम में, तो आप यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले उस इमेज को अपने सिस्टम पे ले लीजिए और उसको भी अटैच कर सकते हैं, ताकि आपके पास जस्टिफिकेशंस रहेगा कि अगर आपने सेटिस्फैक्ट्री नो लिखा है तो किस रीजन से लिखा है। तो सिमिलरली ये जो जितने भी आइटम्स है, ये 43 आइटम्स है जिसको कि आप 1 by 1 जाएंगे
सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है ये प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे टॉप में आप देखेंगे कि डाउनलोड चेकलिस्ट पीडीएफ है, जो भी इंफॉर्मेशन आपने सेटिस्फैक्ट्री यस नो रिमार्क्स लिखा उसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं एक फाइल के रूप में, तो यहां से आप डाउनलोड चेकलिस्ट पीडीएफ कीजिए। फिर उसके बाद उस पर आप साइन कीजिए, जो आपके काउंटर पार्ट है ओनर साइड से या कमर्शियल साइड से उनकी उनकी साइन आप उस पर करा सकते हैं। और साइन करने के बाद अपलोड साइन चेकलिस्ट, ये जो सेकेंड बटन है उसको क्लिक कर कर करके जो सिस्टम जनरेटेड आपका चेकलिस्ट था उस पर आपने साइन मैनुअल कराया और उसको फिर से आप अपलोड करना चाहेंगे तो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है यहाँ पे देखिए लास्ट में व्यू इमेज पीडीएफ है, तो जो साइन चेकलिस्ट आपने अपलोड किएंगे वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा और फ्यूचर में आप उसको अपलोड कर सकते हैं। तो ये रही कंप्लीट प्रोसेस जो कि टिपलर इंस्पेक्शन से रिलेटेड है। इसमें तीन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है, एक तो आपका जो टिपलर पॉइंट्स टिपलर साइट ऐड करने का, टिपलर ऐड करने का वो भी आपकी कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। सपोज कि आपके डिवीजन में अगर 5 टिपलर है, आपने 5 टिपलर ऐड कर दिया सिस्टम में तो उस प्रोसेस को नेक्स्ट टाइम तभी जरूरत पड़ेगी जब कोई न्यू टिपलर कमीशन होगा, बट जो इंस्पेक्शन की प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा कि किसी दो इंस्पेक्शन के बीच में 6 मंथ का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, मतलब विद इन 6 मंथ आपको जो है वो दूसरी इंस्पेक्शन करनी होती है, इसलिए वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। इसके बाद जो सेक्शन आता है वो रिपोर्ट से रिलेटेड होती है, तो उसमें यही आपको टिपलर की लिस्ट, बाकी और भी लिस्ट इन फ्यूचर्स में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लाइक कितने मॉडल्स हैं ऑल ओवर इंडिया में वो दिख जाएगा, कितने मेक है, कितने मैन्युफैक्चरर्स हैं वो लिस्ट मिल जाएगा, या जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी रिपोर्ट से रिलेटेड वो फ्यूचर में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो ये इंस्पेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड अगर किन्हीं की कुछ क्वेरी है तो आप वन बाई वन पूछ लीजिए। ओवर टू यू, आप अपनी माइक ऑन कीजिए वन बाई वन और फिर अपनी क्वेरी पूछिए। हेलो हेलो, मैं समस्तीपुर डिवीजन से बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें टिपलर डिटेल्स में फिल चेक लिस्ट का जो ऑप्शन, अपना नाम एंड डेजिग्नेशन बता दीजिए। मैं मोहित बात कर रहा हूँ एसएससी कोचिंग समस्तीपुर डिवीजन से। ओके ठीक है, ये फिल चेक। हेलो, हाँ हाँ, क्वेरी अपनी क्वेरी बताइए। हाँ, मैं पूछ रहा था कि ये फिल चेक लिस्ट में जब हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो ऑप्शन आ रहा है कि टिपलर इज इन स्टेटस नॉट इन यूज, तो ये नॉट इन यूज वाला, जैसे आपके जैसे आपने जब डेमो दिया तो आपका वर्किंग दिखा रहा था, हम लोग का नॉट इन यूज दिखा रहा है, लेकिन ऑनलाइन जो है वो टिपलर वर्किंग में ही शो हो रहा है। ठीक है, मैं रिसेंटली ही ना आपको 1 से 2 दिन में एडिट टिपलर मास्टर की फंक्शनलिटी दी जाएगी, जिसमें जो आपने टिपलर का डिटेल दिया है उसकी उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, और जैसे वर्किंग है नॉट वर्किंग है, कमीशन्ड है नॉट कमीशन्ड है, उसकी स्टेटस भी आप चेंज कर सकते हैं। तो आप 1-2 दिन वेट कर लीजिए, अगर वो नॉट इन यूज अभी स्टेटस है तो फिर वो वर्किंग में आते हैं, खुद आप उसको एज ए वर्किंग कर सकते हैं। थैंक यू।
नेक्स्ट। हेलो सर। हेलो, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। मैं नीलेश वैद्य, एसएससी सीएनडब्ल्यू नागपुर डिवीजन, सीसीसीआर। ओके सर, एक्चुअली मैं सर आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ आ रही है आवाज। सर मैं एक्चुअली एमएम में ऐड न्यू टिपलर साइट जो है उसमें तो अपने मेरे पास में 21 टिपलर्स है, टोटल 7 साइडिंग। आप जैसे बोल रहे कि एक साइडिंग को मैं इंस्टॉल कर लिया है, मतलब एक साइडिंग में मेरे सब कुछ 6 टिपलर। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। वॉइस क्लियर नहीं आ रही, ये थोड़ा सा बेटर हुआ। बोलिए, आप अपनी बात रखिए। हाँ सर, मैं ऐड टिपलर जानू, ऐड न्यू टिपलर करने के बाद में मुझे सर जो लिस्ट लिस्ट आना चाहिए ना, वो आ नहीं रही है। आप ये कह रहे हैं कि आपका ऐड टिपलर सक्सेस हो जा रहा है बट वो लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है। हाँ, लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है, कभी कभी बोलता है टिपलर ऑलरेडी एग्जिस्ट। नहीं तो उसके लिए जो है आप स्पेसिफिक केस बताइए, स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट के साथ आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं? टेलीग्राम में है। हाँ तो टेलीग्राम ग्रुप में उस इशू को पोस्ट कीजिए और जो हमारा हेल्प डेस्क है उनसे ये फिर डिस्कस कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की बग्स है, कोई इशू है, कोई डेटा सेव नहीं हो रहा है, तो एफएमएम की जो सेम चैनल है टेलीग्राम हेल्प डेस्क, उसका आप यूज कीजिए। नेक्स्ट, आप एसएससी आरएस एसआर प्लीज। आर एस एस आर तो मीटर ही आ गया, क्या नहीं है क्या कुछ? किसी भी यूजर को कोई और इशू है या कोई अपने कोई किसी के पास कोई क्वेरी है? मैं मीटिंग एंड करता हूँ, आप देख लेना। हाँ जी, एसएससी फ्रेट एनर्जी, अगर आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं हुई तो फिर से बोल लीजिए आप। सर मैं ये बोल रहा था कि जैसा मतलब ये फाइल जो है अपन चूज आईडीएसओ सर्टिफिकेट टू कर डाल देंगे, अप्रूव सर्टिफिकेट, मेरे पास ना एक पुराना 1988 की बीपीएस भी है हमारे डिवीजन में, जिसके पास ना आईडीएसओ सर्टिफिकेट मिला है ना उनका आईडीएसओ वेंडर लिस्ट में उनके टिपलर का नाम है, ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? देखिए, अगर कोई पुरानी टिपलर है बट आप उसका रेगुलर इंस्पेक्शन करते हैं, हाँ सर, उसकी डिटेल तो आपके पास होगी कि वो किस मेक का है, उसका मॉडल क्या है। सर मॉडल नंबर मिल जाएगा, जैसे ये मेक सीरियल नंबर है, उनके पास कोई नहीं, आरडीएसओ अप्रूवल सर्टिफिकेट जो है वो भी उनके पास में नहीं है साइडिंग के पास। 1988 का टिपलर है। अच्छा, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है? कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, नहीं। इस कंडीशन में उस टिपलर को ऐड नहीं कर पाऊंगा सर, इसलिए मैं पूछा था इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, जैसा मॉडल नंबर है, ये जो मेक है उनका इस एज का है उनका टिपलर। दो चीजें हैं, अगर अगर कोई टिपलर आपके डिवीजन में है और सपोज कि आपको पता है कि उसके पास मॉडल अप्रूव्ड भी नहीं है, कमीशन सर्टिफिकेट भी नहीं है,
ऐड करना है नहीं करना है ये आपकी डिसीजन है, आप अपने सेनेडेमी से बात करके ये डिस्कस कर लीजिए। अगर ऐड करना है फिर हम वर्कआउट सोल्यूशन बताएंगे आपको, जैसे कि सीरियल नंबर नहीं है तो यू जनरेट अ सीरियल नंबर अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग और वो सीरियल नंबर डाल कर करके आप ऐड कर सकते हैं। बट जो डिसीजन ये है कि ऐड करना है नहीं करना है दैट वी हैव टू टेक केयर। आर यू गेटिंग मी? यस सर, यस सर। ओके डन। किन्हीं की और कोई क्वेरी है? अदरवाइज मैं बाइंड अप करता हूँ। ओके थैंक यू ऑल। साकेत या हेलो हेलो हेलो, कोई है?